अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इंडिया का स्टॉक मार्केट लगातार ग्रो करते जा रहा है और करंटली अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है। और अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के मेजॉरिटी कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो मेजॉरिटी कंपनीज के शेयर्स ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है और करंटली स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ हो रही है उसे देखकर ये लगता है कि करंटली स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंटली मार्केट में यूएस के फेडरल रिजर्व के रेट चेंज को लेकर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं और बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं क्योंकि करंटली मार्केट में फेड के इंटरेस्ट रेट चेंज करने को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है और इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें फेस किया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में फेडरल रिजर्व जो है अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है और जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो मार्केट में इनफ्लोज इंक्रीज होंगे और इसी एक रीजन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो बढ़ जाएगा और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। लेकिन वहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्स गवर्नर रघुराम राजन के एक एनालिसिस का कहना है कि करंटली मार्केट में बहुत सारा डेफिसिट चल रहा है और इनके एनालिसिस के हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है क्योंकि करंटली मार्केट में बहुत सारा डेफिसिट फेस करने को मिल रहा है और फॉरेन करेंसीज कम होने की वजह से मार्केट में और भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। तो अगर आप लोग ऐसे टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को संभल कर इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तब भी आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट पड़ेगा और अगर फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कम होती है तो भी आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब यहाँ पर आपको अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना होगा जहाँ पर आप लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम पीरियड में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है, एक पर्टिकुलर असेट क्लास जो है वहां पर डाउनफॉल दिखाई देता है लेकिन उसके अलावा दूसरी पर्टिकुलर असेट क्लास जो होती है वहां पर आपको सडन ग्रोथ दिखाई देती है। तो ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहता है और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। आई होप कि आज के शॉर्ट वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।